बोल रहे हो? बिहार में भी दारू बेचा रहा है। नितिन नहीं मालूम। मत पियो शराब, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। मत पियो ये गांजा, अफीम, चरस और इंसुलेशन। कहे क्या दुश्मनी है हमसे कि पढ़ने की उम्र में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बबुआई हैं? पढ़ने लिखने की उम्र में इंसुलेशन पी रहे हैं। इंसुलेशन पी के क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो कहे पीते हो? ऐसे ही पीता हूँ मरने के लिए। गांजा ढूंढ लेंगे, भांग ढूंढ लेंगे, चरस ढूंढ लेंगे और अफीम ढूंढ लेंगे और ये बिहार का नाम ऐसे ही बदनाम करते रहेंगे। तो पैसा मांग के सुलेशन ही पीते हो कि और कुछ करते हो? हम भी खाना भी खाता हूँ और गांजा भी पीता हूँ, सुलेशन भी पीता हूँ। खून खौल गया है तुम्हारे ऊपर, ठीक है? गलत काम कर रहे हो तुम। गलत काम मैं करता हूँ? नितेश कुमार जी, शराब तो बंद कर दिए लेकिन सुलेशन नहीं बंद किए। और ये बच्चा देखिए कितने साल से हमको दिखा रहा है कि ये सुलेशन है और इसको पीकर हम जीवित रहते हैं। काहे बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगी भैया, काहे बर्बाद कर रहे हो? ऐसे ही पीने में अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। अरे तो पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा काम करो। ये सुलेशन पी के क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो काहे पीते हो? ऐसे ही पीता हूँ मरने के लिए। मरने के लिए? तो आगे पीछे कोई नहीं है? नहीं, कोई सब लोग इस दुनिया में आए हैं जीने के लिए और आप सुलेशन पी के मर रहे हो हैं? हाँ। तो शराब और आप भी पीते हो? हाँ। शराब तो बंद है बिहार में, कैसे मिलता है? वो भी मिलता है। मिल जाता है? हाँ। हाँ। अभी तुम हमारे पास आए थे पैसा मांगने, वो तो हम तो देख लिए कि आप सुलेशन पी रहे हो। तो पैसा मांग के सुलेशन ही पीते हो कि और कुछ करते हो? हम भी खाना भी खाता हूँ और गांजा भी पीता हूँ, सुलेशन भी पीता हूँ। हाय रे राम राम, जीवन बर्बाद कर रहे हो हैं? हाँ। कुछ दिन बाद उड़ता बिहार होगा, अभी तक उड़ता पंजाब था, लेकिन यहाँ ड्रग्स भी मिल रहा है, शराब भी मिल रही है और अब ये उड़ता पंजाब की जगह उड़ता बिहार होगा। तो नितेश कुमार जी के लिए ये भी एक सबक है कि हो सकता है वो सुलेशन भी बंद कर दें, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा सुलेशन पी रहा है। लेकिन नितेश कुमार जी का आखिर गलती कहाँ तक है जब ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? शायद से बिहार में शराब बंद इसीलिए है कि ऐसे छोटे मोटे बच्चों का भविष्य न बर्बाद हो, लेकिन ये सुलेशन पी लेंगे, गांजा ढूंढ लेंगे, भांग ढूंढ लेंगे, चरस ढूंढ लेंगे और अफीम ढूंढ लेंगे और ये बिहार का नाम ऐसे ही बदनाम करते रहेंगे। बदनाम कर रहे हो ना बेटा? हाँ। बिहार का नाम बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो? नहीं। और कब तक बदनाम करते रहोगे? करता रहूंगा। कब तक? जब तक रहूंगा तब तक ले। तब तक ले। हाँ। चलो हम तुम्हारा बाल कटवा देते हैं, अच्छा कपड़ा दिलवा देते हैं, चलो तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और पढ़ो तुम। नहीं नहीं पढ़ूंगा। कहे ऐसे ही जो सुलेशन में मजा है वो पढ़ने में मजा कहाँ है मित्रों हैं? जो सुलेशन में मजा वो पढ़ने में नहीं है बउआ। हाँ, हैं? हाँ। तुम और किसी के लिए पैसा मांगते तो हम तुमको 1,500-2,000 रुपया दे देते, लेकिन तुम बेटा सुलेशन के लिए मांग रहे थे, नशा के लिए। हमारा खून खौल गया है तुम्हारे ऊपर, ठीक है? गलत काम कर रहे हो तुम। गलत काम मैं करता हूँ। तो बंद करो ना। नहीं बंद कर सकता। क्यों? क्यों? ऐसे ही। सुलेशन पी रहे थे। कैसे पीते हो एक बार पी के दिखाओ। सुलेशन पी रहे थे। देखिए हमारा कोई मकसद ये नहीं, हम इनको सुधारना चाहते हैं। अगर ये पढ़ना चाहें तो हम इनको फंड अलॉट करेंगे अपने जेब से। चलिए हम तुम्हारा नाम लिखाते हैं और पढ़ो, लेकिन तुम 10 रुपए का सुलेशन भी अपना जिंदगी, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी बर्बाद कर रहे हो बेटा। हाँ, कौन इलाज करवाएगा बीमार होगे तो? कोई नहीं। तो फिर काहे पी रहे हो? ऊपर वाला करेंगे। हाँ। कुछ स्कूल गए हो? नहीं, कभी नहीं जाता हूँ मैं। काहे? इसीलिए। हम दिन में घूमता हूँ। हाँ। और ऊपर वाला है तो सब कुछ में हमको कमाता है। हाँ। हाँ। ऊपर वाला मम्मी पापा कहाँ है, क्या करते हैं? ऊपर वाला मम्मी पापा ऊपर। हाँ? वाला है। अच्छा, मतलब माता पिता नहीं पता कौन है, सब आपके जो है ऊपर वाले हैं। ऊपर वाले ने थोड़ी बताया सुलेशन पियो। ऊपर वाले किसने बताया सुलेशन पीने के लिए? ऊपर वाले ने थोड़ी बताया है। ऊपर वाले ने बताया ना सुलेशन पीने के लिए। तुम्हारे जैसे बच्चे आजकल पढ़ लिख कर अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं और तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। दुर्भाग्य बिहार का। दुर्भाग्य नहीं? नहीं नहीं है ना। नहीं। हाँ, जितनी जिसकी सोच रहेगी उतना ही करेगा महाराज, अब हम का बताएं। हमारा दिल भी दहल रहा है, खून भी खौल रहा है और दुख भी हो रहा है कि पढ़ने की उम्र में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बबुआई हैं? पढ़ने लिखने की उम्र में सुलेशन पी रहे हैं। हाँ, सुलेशन पी रहे हैं। क्या बताऊँ, शब्द नहीं है। मैं रिपोर्टिंग तो करता हूँ और शराब बंदी पर नितेश कुमार जी को कोसता हूँ, लेकिन इंसुलेशन पी रहे। चाचा इंसुलेशन पी रहे, सही कर रहे हैं गलत? सही है, एकदम सही है। कहे
अब बच्चा से कम करेगा तो ठीक नहीं है ना। सुलेशन पी रहे, नशा कर रहे हैं। अरे नशा सही नहीं है। हाँ। नशा मुक्त भारत बनो। तो ये तो सुलेशन पी के जो है कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, नशे में डूब जाते हैं। नहीं नहीं बच्चा इसको समझाओ। तो वही तो समझा रहे, लेकिन ये कह रहा हम पीते ही रहेंगे। यहाँ पे अवैध तरीका से यहाँ पे जितना मेडिकल, ये हथुआ विधानसभा क्षेत्र का ये मीरगंज का जेपी चौक है, यहाँ बगल में स्टेशन है हथुआ स्टेशन। यहाँ अवैध तरीके से जितने मेडिकल दुकान वाले हैं नशा का दवा देते हैं। फॉर्मिन जो 5 रुपए का इंजेक्शन मिलता है 100-100 रुपया दे के अवैध तरीके से यहाँ पे बेचते हैं सारे दुकान वाले। बोल, आप यही के हो ना? हम यही के हैं। बोलोगे तो मेडिकल स्टोर वाले आपका विरोध करेंगे। कुछ नहीं करेंगे मेरा। हम खुद मेरा आपको पता है कि सब कुछ बिहार में क्या होता है। हमारे सर्किल में बहुत ऐसे लड़का है जो अवैध तरीके से यहीं से अगल बगल से बहुत यहाँ मेडिकल दुकान है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ के जितने मेडिकल दुकान है सब अवैध तरीके से यहाँ पे बेचते हैं। सुलेशन पी रहे, गलत कर रहे हैं सही? एकदम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सुलेशन पे बैन करना चाहिए। शराब बंदी से इतना नुकसान है, शराब बैन कर रहे जो चीज से नुकसान है उस पे तो ध्यान नहीं देते। तुम हमारा कहना नहीं मानोगे बेटुआ ना? मान जाओ हमारा कहना। नहीं मानोगे? मत पियो शराब, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। मत पियो ये गांजा अफीम चरस और इंसुलेशन। पीता रहूंगा। कहे क्या दुश्मनी है हमसे? हमारी बात कहे नहीं मानोगे? हम नहीं मानेंगे। हमारी बात नीतीश कुमार जी कभी कभी मान जाते हैं, हम मनवा देते हैं और तुम नहीं मान रहे हो। ये भैया हैं, बताइए नहीं बिहार को बदनाम कर रहे हैं? नहीं, बदनाम करना बिल्कुल गलत है। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे आने वाले जो जनरेशन है उससे ये हालात मतलब बहुत सारा ये खुद पी रहे हैं और स्कूल से बच्चों को निकाल कर उनको भी सिखाएंगे। आओ, ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं जिसमें सरकार को एक पर्सनल नियम कानून बना के उनको सुधारने का काम किया जाना। क्या बोल रहे हो? बिहार में भी दारू बेचारा है। नीतीश कुमार जी, छोटा सा बच्चा जो सरकारी स्कूल का मुंह नहीं देखा है और उसको अपना नाम तक नहीं पता, उसका माता पिता भी नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि शराब बंद के बाद भी बिहार में शराब खुल्लम खुल्ला बिकता है, तो आपके साथ बैठे अन्य सलाहकारों को ये बात क्यों नहीं पता कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब बिकता है? जब इस बच्चे को पता है तो आपके सलाहकार आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारियों को क्यों नहीं पता है? दुर्भाग्य है बिहार का और बिहार के लोगों का और बिहारियों का कि बिहार में इतना बड़ा दुर्भाग्य है और ये बच्चा लोग सुलेशन पीता है। गलत कर रहे हो, समझोगे नहीं? अब तुम कैसे समझोगे ये तो हमें नहीं पता है। शायद से तुम उत्तर प्रदेश में होते तो हमको दो तमाचा हम तुमको मार के अभी पुलिस प्रशासन के आगे हाथ भिजवा के तुम्हें और तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा देते, लेकिन हम ठहरे हैं बिहार में इस वक्त। लेकिन अब तुम्हें कैसे समझाएं? तुम समझोगे नहीं, समझ जाओ हमारी बात को। नहीं समझोगे। और नशा ऐसा जहर है जो एक बार नस में घुल जाता है तो वो नस नस को चूर चूर कर देता है और ये नशा इनके अंदर घुस गया है। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों। जो है नशा से दूर रहिए, बस इतना था कहने का मतलब इस वीडियो में, कोई तात्पर्य और नहीं था। इनको सुधारने की कोशिश किए लेकिन ये सुधरेंगे नहीं और ज्यादा बोलेंगे तो हमारे दांते काट लेंगे। ये काटोगे ना? हाँ, ये देखिए यही बिहार है। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद मित्रों। आपका नाक काट लूंगा। नाक काट लेंगे, हमें पता है मारोगे भी हमको तुम। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।